कहीं ना कहीं और बिल्कुल सेफ जोन की बात करें तो यार एक तो बनाना ही है था 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 पिछले साल हाँ, लेट्स नहीं सोचते हैं तो अगर 190 बनाना है तो उसमें भैया मैथ्स में, में कहीं ना कहीं माइट तो का 10 भी नंबर नहीं बन रहे सो यस इफ यू इवन आर इन एवरेज क्लास 12th ड्रॉपर न स्टिल गेट इन टू नाइन्टी नाइन परसेंटाइल मुश्किल है ऑब्वियसली बात है जीरो से तो नाइनटी नाइन नहीं बनेगा बट ये यू से दैट सर आई विल मैनेज फिजिक्स इन केमिस्ट्री फिजिक्स हो जाएगा तो चलो मैथ्स और केमिस्ट्री हम लोग झेल लेंगे कैसे अब आइए क्योंकि अगर आपको पता हो ना क्या करना है कितना करना है और कब तक करना है यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्या करना है वॉट टू डू हाउ मच टू डू वॉट टू डू आपको पता होता है. फिर बहुत सारे बच्चों को यह भी पता होता है हाउ मच टू डू बट वेर यू लूज ट्रैक इज वेन डू क्योंकि जब तक इन तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तब तक रिजल्ट नहीं बनेगा बिकॉज वी नो दैट इन नाइनटी डेज यू कैन नॉट डू हाउ मच यू कैन नॉट डिसाइड मल्टीपल थिंग्स राइट सो दिस इज असिव लूप आपको ये तीनों को एक साथ लेके चलना है इफ यू स्टार्ट प्लानिंग दिस तो नाइनटी डेज में कुछ नहीं निकाल पाओगे बिकॉज दिस विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम इन आइडेंटिफाइंग what to do how much to do and when to do and that is why that's headache is solved by us and the biggest issue is maths so the first thing that we do is by launching the maths crash course batch 2 the batch 1 is doing really fabulous <laughs> <laughs> please usko the only simple answer that why you should join the math crash course at math on go. मैथ की टेंशन को टाटा बाय बाय मैथ का अगर आप मैथन का लोगो देखेंगे आंसर टू योर मैथ प्रॉब्लम एंड एट मैथन गो राइट एज सिंपल इज दैट तो प्लीज यू ओनली थिंग दैट यू नीड फॉर मैथ इन द लास्ट नाइनटी हंड्रेड ऑट डेज चुपके से चुपचाप ज्वाइन करें दिमाग पे जोर ना डालें ठीक सो वॉट दिस मेक्स इट यूनिक एंड यूजफुल इज प्योर सी वील टॉक अबाउट दिस

यू you नो know, एक तरीके से इस एक पूरे चैप्टर को एं, एंकम्पास करा है कि एक स्टोरी लाइन बने जिससे वो पैटर्न आपको ज्यादा तेजी से याद रहे पेपर तक याद रहे ब्यूटी ऑफ द कोर्स एंड सेव इंट्रोड्यूस केमिस्ट्री क्रैश कोर्स व्हिच इज टेकन बाय पारस ठाकुर सर वो कि भैया पढ़ाते बहुत बढ़िया है हाँ कई के बार आपने उन्हें मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे देखा होगा बट भैया क्वालिटी मैटर्स ना तो आपको अगर केमिस्ट्री में भी हल्का सा डाउट है

लाइव सेशन कंबाइंड टेस्ट ठीक है अगर मैथ का कोर्स लिया तो मैथ का कोर्स के टेस्ट होंगे केमिस्ट्री का कोर्स लिया तो केमिस्ट्री के कोर्स के टेस्ट होगा एक एक घंटे का दोनों का लिया तो दो घंटे का दोनों का टेस्ट होगा ठीक कैसे दिखता है मैं पहले अब तुम्हें ब्यूटी दिखाता हूं कोर्स में आपको ये दिखता कैसे है बैच वन का एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं हमने हर बच्चों चैप्टर का आपको एनालिसिस दिया है जो आप प्यूटिफुल ग्राफ्स में देख सकते हैं जहां से आपको क्लैरिटी हो जाता है कौन से टॉपिक्स में मुझे काम करना है

कि भैया इसमें मस्ट डू क्वेश्चन कौन सा है एंड ऑल yes, so अरे भैया लास्ट ईयर के बाद से तो पूरा कॉन्टेंट चेंज हो गया है तो आप लोग नए कॉन्टेंट को कंज्यूम करें जो कि मोर रेलिवेंट मोर कस्टम टूवर्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव पैटर्न विच वी आर एक्सपेक्टिंग टू अकर पेपर ठीक है

जिससे आप लोगों का टाइम बच पाए और अच्छी जगह यूटिलाइज हो पाए ना तो दैट्स दी टारगेट तो अगर मैं एक घंटे एक का कोई एक लेक्चर पकड़ता हूं average, ये average की बात हो रही है उसमें पंद्रह मिनट की थ्योरी होती है केमिस्ट्री में हम लोगों ने उल्टा फॉलो करा स्ट्रक्चर हम थ्योरी एक पहले से अलग पढ़ा देते हैं

90 minutes का टारगेट होता है हर आ, हर, हर चैप्टर को ना आपके पास ऑप्शन के साथ उसके वीडियो सोलूशन भी मिलते हैं और हमने डीपीपी को सिंपल रखा है दस क्वेश्चन ही मिलेंगे हर दिन के इससे ज्यादा नहीं ठीक है बट टाइम कम है तो आपको फील होगा कि प्रेशर ज्यादा पढ़ना शुरू हो गया तो इसमें वी हेल्प यू करेंगे आपको थोड़ा

तो आप एक ऑन एवरेज चालीस से पचास क्वेश्चन हम सोल्व करा रहे हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच आर ऑलरेडी सिलेक्टिव प्लस तीस ये प्लस तीस की डीपीपी तो आपके पास सौ क्वेश्चन हैं बस वही करना है यार उससे ज्यादा कर नहीं सकते आज के समय में ठीक तो दैट दैटी टारगेट लाइव सेशन ट्वेंटी प्लस लाइव आधे एंड द टारगेट वुड बी टू लर्न सम न्यू मेथड्स ऑफ अटैकिंग या हाउ टू थिंक क्वेश्चन पेपर में कहीं बार क्या होता है आप बैठे आप जब बाहर आते हो ना एकदम से लगता है अरे ये तो क्लाइक क्लिक कर गया पेपर में नहीं करता है

सिलेबस या आउट ऑफ पैटर्न कुछ सवाल बन जाए वो रहेगा नहीं क्योंकि हम पी वाई ही आपको हाउ टू अटैक सोचना सिखा रहे होंगे तो 50 टू 60 मिनट्स का भी जाता है रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल इन केस यू मिस दी सेशंस द टाइमिंग ऑफ दी सेशंस इज जनरली केप्ट इन इवनिंग और आई शुड से लेट इवनिंग समवेयर अराउंड सेवन थर्टी एट थर्टी इस तरीके से रखी जाएंगी वो एग्जैक्ट टाइम रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को एनरोल स्टूडेंट्स को बता दी जाएगी ठीक है चलिए फेस uh, टेस्ट जो है मैथ्स के केमिस्ट्री के एज पर आपके पास दोनों ऑप्शन आप दोनों का खरीद सकते हैं आप एक सब्जेक्ट मैथ्स या एक सिंगल सब्जेक्ट केमिस्ट्री का भी खरीद सकते हैं शेड्यूल इज वी स्टार्ट वेरी सून ऑफ अक्टूबर वी डोंट हैव टाइम सो हम बहुत तेजी से शुरू कर रहे हैं ओरिएंटेशन होगी और 11 तारीख से सीधा सीधा क्वाड्रेटिक और स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू हो जाएगा अगर आपने केमिस्ट्री में एनरोल करा है तो इस तरीके से मैथ्स में कराए तो इसे दोनों में कराए तो ये शेड्यूल चलेगा जिस जिस दिन टॉपिक लिखा है बच्चों उस दिन मतलब लेक्चर्स आएंगे यहां अगर कुछ नहीं लिखा मतलब ये खाली दिन है ब्रेक लाइव लाइव क्लासेस क्लासेस सिर्फ उस दिन दिन होंगी जिस वर्ड ये मत सोचना है ये ये लाइव लाइव क्लास है नहीं रिकॉर्डेड कंटेंट मिलेगा बिकॉज वी ऑल्सो वॉन्ट यार लाइव में क्या होता है आपने देख ही रखा है बोलने की क्या जरूरत है अच्छा बच्चा टाइम वेस्ट कर रहा होता है जो एक एवरेज बच्चा होता है वो पीछे चल रहा होता है आधे लोग मस्ती मार रहे होते हैं

अगर आप वो कर लेंगे तो आपको ये भी पता है कॉन्फिडेंस है कि यार रैंक तो बन जाएगी अब टाइम में एक ऐसा इशू है जो हर बच्चे के पास लिमिटेड है और उसको आप कैसे यूटिलाइज करते हैं दैट इज द की कैंडिडेट भी फ्री फ्री हो सकता है एक है अगर आप जनवरी अटेम्प्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट में 99 प्लस परसेंटाइल ले आते हो आपका कोर्स आपके लिए फ्री हो जाएगा अगर आपने केमिस्ट्री का लिया है तो केमिस्ट्री का मैथ्स का लिया है तो मैथ्स का लिया है दोनों तो अगर एक में आया तो आधा रिफंड हो जाएगा एज सिंपल एज इट कैन गेट सिंपल कैलकुलेशन ठीक सो द कोर्स स्टार्ट्स स्टार्ट अक्टूबर बच्चों टाइम नहीं है बिल्कुल वेस्ट करने के लिए प्लीज रजिस्ट्रेशन आर ओपन ज्वाइन द बैच एज सुन एज नाउ अगर आपको कोई भी क्वेरी है प्लीज एफ सेक्शन में जाके उसे एक बार जरूर देख लीजिए लेट्स गेट दैट नाइनटी नाइन परसेंट स्कोर हम सबका टारगेट तो वही है हा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस कोर्स की वजह से आपका 99 नाइन बन जाएगा कोई भी कोर्स ऐसा काम नहीं कर सकता हम ये कह रहे हैं इफ यू आर इन 90 ऑट डेज यू आर लुकिंग फॉर समथिंग व्हिच इज हाईली रेलिवेंट टू पॉइंट ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ यू देन दिस कोर्स विल बी प्रोडक्ट बट हाँ आप नाइन्टी नाइन तक पहुंचोगे तो नाइन से नाइनटी वाला मैजिक भैया हम नहीं जानते कोई दूसरी कंपनी जानती हो आप उसको कोर्स को ज्वाइन कर लें हम लोग नहीं जानते वो नाइन से नाइन्टी नाइन वाला मैजिक हमारे बस की नहीं है हमारी इतनी क्षमता नहीं है हम ये जानते हैं कि हाँ आप अगर सेवेंटी एट्टी तक हैं तो आपको नाइनटी टू या एक कट ऑफ जो होती है एडवांस के लिए वो कैसे क्लियर होगी आप उससे ऊपर हैं तो नाइनटी सेवन आप नाइनटी फाइव नाइन्टी सिक्स के बैरियर में तो नाइनटी एट से नाइन्टी नाइन और आप कहीं नाइन्टी सेवन तक अगर ऑलरेडी हैं तो नाइन्टी नाइन प्लस की जंप आपको लगवा दें दैट्स द आइडिया सिंपल आइडिया यार कोई मैजिक नहीं है ना पढ़ाई है पढ़ाई अगर इतनी आसान होती कि मैं नौ से निन्यानवे बना दूंगा तो यार हर कोई पढ़ाई सिर्फ लास्ट के तीन महीने में करता, वो ही करता वही बस क्रैश कोर्स ज्वाइन करता हमारा क्रैश कोर्स देश का सबसे बड़ा क्रैश कोर्स होता रेवोल्यूशन हो चुका होता ऐसा नहीं होता ना लेट्स कीप इट सिंपल लेट्स कीप इट प्रैक्टिकल तो आई टोल्ड यू वेरी सिंपल सिंसियरली डोंट कीप वेरी हाई एक्सपेक्टेशन कि भैया मेरे अगर अभी पाँच नंबर मैथ्स में बन रहे हैं तो सडनली मेरे पिचहत्तर नंबर बन जाएंगे बिकॉज मैं तो अनूप सर का मैथान वो तो कोर्स ज्वाइन करा था नहीं होने वाला भाई नहीं होने वाला But आपके पांच हैं तो वी विल ट्राई टू मेक इट फ्रॉम फाइव टू ट्वेंटी फाइव टू थर्टी दूएबल दैट्स डूएल एंड विल गिव यू कॉन्फिडेंस मे बी इन द नेक्स्ट एप्रिल अटेम्प्टू माइट गेट टू फिफ्टी और सेवनटी गिवन हाउ यू प्रिपेयर बट इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट बच्चों वन इज इन ब्लू मून केस होता है पांच से पिछहत्तर वाला हर बच्चे के लिए नहीं सो दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स आई अगेन रिपीट बच्चों द कोर्स टेंथ ऑफ ऑक्टूबर जस्ट आफ्टर फोर डेज यू डोंट है्लीज ज्वाइन एंड आई कैन बेट ऑन दिस दैट आपने इससे ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर्ड कॉन्टेंट मैं ये नहीं कह रहा बेस्ट देखो बेस्ट टीचर की कोई परिभाषा नहीं है मैं खुद बोलता हूं ये बात बेस्ट वो जो आपका समझ में आ जाए जिससे आपको बट एक तरीका है ना कि भाई एक तरीके से स्ट्रक्चर्ड कोर्स को बनाना विद अ व्यू पॉइंट किया जेई मीनस के लिए पढ़ना है अब जेई मीन के लिए आप मैच तो बहुत आसान पढ़ रहे हो पीवाई क्यू बहुत टफ आ रहा है तो ये मिस मैच का तो कोई फायदा ही नहीं है टीचर से जो पढ़ रहे हो समझ में तो आ रहा है पर पी वाई क्यों सॉल्व नहीं हो रहे तो फायदा क्या है इस मिस मैच का तो मिस मैच को हमने कम करने की कोशिश करी है तो वो सब आइडिया है यार बहुत बातें मैं कर सकता हूं इसके ऊपर बट इन शॉर्ट इफ यू फील दैट यू वॉन्ट टू इंप्रूव इन मैथ्स यू आर नॉट गेटिंग द राइट सपोर्ट यू आर नॉट गेटिंग दी राइट कॉन्टेंट आग बंद करके कोर्स ज्वाइन कर लो यू विल नॉट रिपेंट इट एज सिंपल एज इट कैन गेट ठीक चले गॉल बेस यू ऑल यू सिंसियरली होट यू विल बी पार्ट ऑफ दिस कोर्स एंड वी विल बी एबल टू get that 2000 plus magical figure of 99 percentiles in january itself with the help of you guys god bless bye bye keep smiling keep working and keep working the way you are